नमस्कार, तोपचंद नाइट टॉप 10 में आपका स्वागत है। हम आपको करवाएंगे दिन भर की प्रमुख खबरों से रूबरू। छत्तीसगढ़ में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट जीतकर गए क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को कोरोना ने जकड़ लिया। सचिन के कोरोना संक्रमित होने को छत्तीसगढ़ से जोड़कर देखा जा रहा है, चूंकि वे 22 मार्च की सुबह मुंबई के लिए रवाना हुए थे और कोरोना संक्रमण का प्रभाव 5 दिन के अंदर दिखता है। सचिन ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि वे घर पर ही क्वारंटीन है। सार्थक टीएमटी में मंगलवार सुबह हुए हादसे में घायल एक और मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई। यह इस हादसे में दूसरी मौत है। हादसे के दिन मौके पर श्रमिक पवन साहू की मौत हुई थी। इसके 4 दिन बाद राम रतन ने भी एक निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। सूत्रों की माने तो मृतक राम रतन का नाम फैक्ट्री के रिकॉर्ड में ही नहीं है, जबकि ठेकेदार फोन बंद कर अभी भी फरार है। राजधानी के भाटा गांव ओवरब्रिज के नीचे शनिवार को मास्क की चेकिंग के दौरान फिर विवाद हो गया। यहां एक युवती और निगम की महिला कर्मी आपस में भिड़ गए। इस मामले की शिकायत पुरानी बस्ती थाने में दोनों पक्षों की ओर से की गई है। हालांकि युवती का कहना है कि वह स्कार्फ बांधकर जा रही थी और निगम की महिलाओं ने जबरन रुकवाकर चालान काटा और विरोध करने पर मारपीट भी की, जबकि निगम कर्मी का कहना है कि पहले महिला ने मारपीट की। असम चुनाव में प्रचार के लिए गए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ लौट आए हैं। उन्होंने पीएम मोदी के बांग्लादेश वाले बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे सबसे तेज गेंदबाज हैं, इसलिए सबसे तेज फेंकते हैं। विदेश जाकर इस प्रकार की बात करना हास्यास्पद है। रमन सिंह पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि यह अंग्रेजों के मानने वाले लोग हैं, सांप्रदायिकता फैलाना इनका काम है। असम में जब बीजेपी की सरकार है तो आपको यह बताना चाहिए कि आपने 5 साल में क्या किया है। जब रमन सिंह डिब्रूगढ़ गए थे तब मैं भी वहीं था। बेचारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी में उनकी दुर्दशा है, मैं उनकी क्या बात करूं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संसदीय सलाहकार राजेश तिवारी को कांग्रेस पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। इनके अलावा उन्हें प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ अटैच कर उत्तर प्रदेश का इंचार्ज भी बनाया गया। यह जिम्मेदारी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर राष्ट्रीय सचिव केसी वेणुगोपाल ने दी है। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है, इस लिहाज से यह जिम्मेदारी मिलना राजेश तिवारी के लिए काफी अहम माना जा रहा है। रायपुर स्थित इंद्रावती भवन में सभी के लिए मास्क लगाना और शारीरिक दूरी का पालन अनिवार्य कर दिया गया है। इंद्रावती भवन के नोडल अधिकारी डॉक्टर सी आर प्रसन्ना ने आदेश जारी कर वहां होली मिलन और रंग गुलाल खेल पूर्णतः प्रतिबंध किया है। इंद्रावती परिसर में बिना मास्क के पाए जाने पर अफसरों और कर्मचारियों आदि पर 500 रुपए का अर्थदंड वसूला जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को होली की बधाई दी है। साथ ही उन्होंने इस साल होली घर पर ही रहकर मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए सभी लोग उत्साह और उमंग के साथ सभी जरूरी सावधानियां बरतें, मास्क पहने, शारीरिक दूरी बनाए रखें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें। कोविड-19 वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी अगर आपको कोरोना संक्रमण होता है तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पुडुचेरी द्वारा हाल ही में आयोजित सेमिनार में यह बात कही गई है। अब तक लाखों लोगों को वैक्सीन लगाई गई है, इनमें से कुछ लोगों को संक्रमण हुआ है। हालांकि ऐसे लोगों की संख्या दहाई के आंकड़े में ही है। इससे यह साबित होता है कि दोबारा संक्रमण होना एक दुर्लभ घटना है। इस आधार पर लोगों को टीका लगाने से बचना नहीं चाहिए, क्योंकि वैक्सीन लगाने से शरीर में एंटीबॉडी बनती है और प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है। राजधानी में होली के मद्देनजर पुलिस गुंडों और निगरानी बदमाशों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चला रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है, ताकि होली में सुरक्षा, शांति और कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे। चेकिंग के दौरान अलग अलग थाना क्षेत्रों में कुल 222 गुंडों ने उपस्थिति दर्ज कराई। कई बदमाश अभी भी फरार हैं। पश्चिम बंगाल और असम में शनिवार को पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ। बंगाल में पहले चरण के चुनाव में 80% तक मतदाताओं ने तो असम में 73% मतदाताओं ने वोट डाले। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। बंगाल में कई जगह मारपीट की वारदातें हुई हैं। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु अधिकारी पर भी हमला किया गया है। रोचक खबरों के लिए तोपचंद.com को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।